हूं आपका दोस्त अमित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेचुरल बॉडी स्टैटिक्स में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने साइड लेटरल हेड को तगड़ा बना सकते हो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो अक्सर आपने देखा होगा या फिर आप करते भी होंगे कि जब भी आप जिम में जाते हो शोल्डर का वर्कआउट करने, तो सबसे पहले आप डंबल प्रेसेस से स्टार्ट करते हो। अगर आप डंबल शोल्डर प्रेस से स्टार्ट नहीं करोगे तो आप बारबल लेकर बारबल से शोल्डर प्रेसेस लगाते हो और इन दोनों एक्सरसाइजेस में आपका एंटीरियर डेल्ट ट्रेन हो रहा है। बट हमें ट्रेन करना है अपना लैटरल हेड और हमें इसको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले टिप यही है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना शोल्डर वर्कआउट करने जाओ तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो अपने लैटरल हेड से, क्योंकि उस टाइम आप फुल एनर्जी में होंगे और आप अपना ज्यादा एफर्ट लगा पाओगे लैटरल हेड पे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको डंबल शोल्डर लैटरल रेजिस किस तरह से लगानी है और क्या क्या गलतियां आप करते हो वो आपको नहीं करनी है। तो जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूं, अगर आप वैसे फॉलो करोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये फॉर्म बिल्कुल गलत है, जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रैप्स की एक्सरसाइज नहीं है। तो नीचे जाकर ट्रैप्स को टाइट नहीं करना है और लीन फॉरवर्ड लीन बैकवर्ड भी नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैक रखनी है और बिल्कुल आहिस्ता इसको परफॉर्म करना है। और सेकंड भी आप देख सकते हो, आपको डंबल को बिल्कुल नीचे से पकड़ना है इसको, ये प्रॉपर तरीका है डंबल पकड़ने का। और थर्ड, आप जैसे कि देख सकते हो मैं डंबल्स को बिल्कुल सीधा लेके जा रहा हूँ शोल्डर के सामने, ये बिल्कुल गलत है। आपको डंबल्स को थोड़ा सा आगे करना है और आगे की तरफ डंबल को लेकर जाना है शोल्डर से, ये परफेक्ट फॉर्म रहेगी। और ये सही तरीका है अब डंबल साइड लेटरल्स लगाने का जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल आहिस्ता आप ऊपर जाओगे और नीचे भी बिल्कुल आहिस्ता लेके जाओगे, इतनी ही आपकी स्पीड रहनी चाहिए, डंबल आपके शोल्डर से आगे रहने चाहिए और बैक बिल्कुल स्ट्रेट। गाइस, सेकंड टिप ये है कि जब भी आपका शोल्डर वर्कआउट खत्म हो जाए उसके बाद आपको सिर्फ दो राउंड लगाने हैं। आपको सिंपली अपने डंबल्स को पकड़ के इस जगह पर होल्ड करना है जितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो, और इसमें आप डंबल का यूज कर सकते हो या फिर प्लेट का यूज कर सकते हो। सिर्फ दो राउंड लगाने हैं वर्कआउट के बाद डंबल पकड़ के, बस इस जगह पे आपको आइसोमेट्रिक होल्ड करना है और टाइम नोट करना कि आप कितनी देर होल्ड कर पाते हो। आपको इतना तगड़ा बर्न फील होगा और आपके जो लैटरल हेड है यहाँ पर इतना ज्यादा बर्न होगा तो आपको बहुत ज्यादा उसमें मदद मिलेगी। तो इसलिए नेक्स्ट शोल्डर वर्कआउट में वर्कआउट के एंड में डंबल या प्लेट के साथ यहाँ पर आइसोमेट्रिक होल्ड करना दो सेट और टाइम जितना आप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी या कुछ आपको पूछना होगा इस वीडियो के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। और यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बी हेल्दी एंड डोंट डू ड्रग्स।